शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीना फूड सीक्रेट्स। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मीना फूड सीक्रेट्स में आपको जिस रेसिपी से मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। फ्राई आलू भी कह सकते हैं आप इनको, आलू की भुजिया भी कह सकते हैं, और फ्राई आलू विद मसाला भी आप कह सकते हैं, मसालेदार आलू की भुजिया भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप दे लें, लेकिन बहुत ही मजे की बनती है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो देखिए कि किस तरह से बनती है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए, 3 बड़े आलू ले लिए, और उनको मैंने कट करके बॉयल कर दिए। ये आप देख सकते हैं मैंने इस फॉर्म में इनको बॉयल किए, लेकिन 80-85% बॉयल किए, ठीक है। नमक डाल के पानी में मैंने इनको सिंपल सा बॉयल कर दिया, लेकिन फुल डन नहीं करना आपने, 80-85% मैंने इसको डन कर दिया। जो थोड़ी सी कसर है वो भी भूनते हुए मसाले के साथ ये पूरी हो जाएगी और बिल्कुल बहुत मज़े के सॉफ्ट से आलू बनेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए टमाटर ग्राइंड करके ले लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए, प्याज इसमें कम जाएगा बिल्कुल, मैंने एक छोटी वाली प्याज ली है। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो मसाला जाते हैं उसमें मैंने ले लिया है, यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे नमक और अजवाइन, और यहाँ पे साबुत जीरा और हल्दी पाउडर, ठीक है। तो ये सारे मसाले जाते हैं, एंड पे आप चाहें अपनी मर्जी से खुशबू के लिए गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और धनिया और मिर्चों से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होगा, तो ऑलिव ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक पैन ले लेते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल डाल देते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले ली, और पैन में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, आप जो घर में यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चला जाएगा सबसे पहले प्याज, प्याज ऐड कर दूंगी मैं, इसका एडिशन करूंगी, और उसके बाद इसको कर देंगे हल्का सा स्टेयर सा फ्राई, ठीक है। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, हल्का सा बस इसकी जो खुशबू आने लगेगी ऑयल में, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो चीज़ें हमने डालनी है वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं थोड़ा सा फ्राई जी। तो यहाँ पे प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हमने कर लिया हुआ, और ये अपना कलर चेंज करने लग गया। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का को ऐड कर दूंगी, और लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर दूंगी इसके साथ ही, और थोड़ा सा इसको भी हमने हल्का सा फ्राई करना है, हमने डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना है इसमें, ठीक है। हमने हल्का सा जस्ट इसको फ्राई करना है, ताकि ये प्यारा सा कलर भी आ जाए, फ्राई भी हो जाए, भुन भी जाए, ऑयल में अच्छी सी खुशबू भी आ जाए प्याज की, लहसुन की और अदरक की। तो ये देखिए, अब यहाँ पे सारे मसाला जात भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। स्टेज पे जितने भी हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे, जीरा पाउडर, अजवाइन, नमक और हल्दी, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए, और यहाँ पे मैं इसको अब कर दूंगी थोड़ा सा मज़ीद फ्राई। ये देखिए, प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ सारे मसाले भी भुन जाएंगे, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ये देखिए। और अब यहाँ पे मैंने ऐड करने हैं क्या, टमाटर, ठीक है। टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, आप भी पेस्ट ही यूज़ कीजिएगा। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आपने विजिट नहीं किया, तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं आलू की भुजिया के बहुत सारे मैंने जो है वो 2-3 तरीके से मैंने बनाई हुई है। तो आप अभी इसको इस यूनिक तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, और पहले भी आप देख सकते हैं किस किस तरीके से मैंने बनाई हुई है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट तरीके से मैंने आलू की भुजिया, आलू फ्राई, आलू विद मसाला, भुने हुए आलू, भुने हुए आलू विद मसाला, बहुत से तरीके से मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसको भून लेंगे, यहाँ तक भूनेंगे कि ये ऑयल निकल आए, ठीक है। थोड़ा सा इसका ऑयल निकलता है, तो बस उसके बाद फिर हमने बॉयल आलू इसमें ऐड कर देने। देखिए कितनी कोई सी ज़बरदस्ती जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, अच्छे से इसकी भुनाई हमने कर दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टेज पे कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है, यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ ये जो बॉयल किए हुए आलू थे, ये मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हल्के से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। और अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रखूँगी, हल्का सा 5 मिनट के लिए, 5 भी नहीं बल्कि 3-4 मिनट के लिए सिर्फ हम इसको कवर करेंगे, कि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए, और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। तो उसको मैं कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ इसका। तो ये लीजिए, कितनी ज़बरदस्त ही हमारी आलू फ्राई जो है वो रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसने ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है, ये देखिए, अगर आपको मेरा चैनल प्लीज से दिखाए तो ये देखिए, ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है इसने, और इतना ज़बरदस्त इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ अभी। इसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए जो है वो हल्की आँच पर रखा था कवर करके,
और उसके बाद ये देखिए मसाले के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है और हल्का सा ऑयल भी आ गया। अब यहाँ पे स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गरम मसाला, और इस स्टेज पे आप खाने में नमक भी देख लिया करें। देखिए गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया खुशबू के लिए, और एंड पे इसके जाएंगी हरा धनिया और हरी मिर्ची गार्निश के लिए। ठीक है, तो ये देखिए आप तकरीबन दो तीन मिनट और मैं मिक्स करूँगी। बहुत जल्द से बनने वाली रेसिपी है। अगर आप बिजी हैं और आपको समय नहीं आ रहा कि क्या बनाना है, तो आप आलू बस बॉयल करने रखते हैं, तो उसके बाद ऐसे कोई एक्सेस का मसाला बना लें, और उसके बाद आपके जो आलू है वो इसके अंदर 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो बस हल्की आँच पर इसको रखते हैं, और फिर मैं आपको लास्ट को किसकी दिखाती हूँ हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। बस मैंने दो तीन मिनट बाद मैंने ढक्कन उठा लिया था, और ये हमारी रेसिपी यहाँ पर हो गई है कम्प्लीट। बस अगर आप इसको थोड़ा सा शोरबे वाला चाहते हैं, तो आप इसमें बेशक पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि इसी तरह से ये बहुत ज़बरदस्त यमी सा लगता है। तो यहाँ पे अब एंड पे इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया हरी मिर्चें, ये आप देख सकते हैं हरा धनिया हरी मिर्च से इसको गार्निश कर देंगे, और यहाँ पर होती है हमारी रेसिपी आज की कम्प्लीट। तो होप्स हो कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकें और आप इंजॉय कर सकें। तो खुश रहें, खुशियां बांटें। आज की रेसिपी से मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।